भाषा हिंदी बने राष्ट्रभाषा। हिंदी दिवस की बधाई। किसी भी कार्य करने से पहले भगवान का नाम लिए जाए तो बोलते हैं काम संपूर्ण हो जाता है। इसी के साथ हमारे नन्हे मुन्ने लेकर आ रहा है प्यारा सा प्रार्थना गीत जो भगवान के चरणों में समर्पित है। सुबह सवेरे लेकर तेरा नाम प्रभु करते रहे हम शुरू आज का काम प्रभु। सुबह सवेरे लेकर तेरा नाम प्रभु करते रहे हम शुरू आज का काम प्रभु। करते शुरू आज का काम प्रभु। सदा हमारे सिर पर तेरा हाथ रहे हर सुख दुख संकट में तेरा साथ रहे। सदा हमारे सिर पर तेरा हाथ रहे हर सुख दुख संकट में तेरा साथ रहे। हर सुख दुख संकट में तेरा साथ रहे। जीवों का हो जीवन मेरा यान प्रभु करते हैं हम शुरू आज का काम प्रभु। सुबह सवेरे लेकर तेरा नाम प्रभु करते हैं हम शुरू आज का काम प्रभु। हिंदी दिवस पर एक नृत्य शिल्प प्रस्तुत कर रही है 8वीं कक्षा के छात्राएं। की भाषा प्रजातंत्र के शास्त्र की भाषा। हिंदी भाषा राष्ट्र की भाषा प्रजातंत्र के शास्त्र की भाषा। देवनागरी लिपि में भाषा जन जन के मन की अभिलाषा। हिंदी भाषा राष्ट्र की भाषा प्रजातंत्र के शास्त्र की भाषा। भारत की सारी भाषाएं इस भाषा भाषा हूँ, अभिव्यक्ति का साधन हूँ, जन जन का प्रखर स्वर हूँ, हंसती गाती हूँ, सुख दुख रचती हूँ, सब नीली रंग बिरंगी कथा सुनाती हूँ, बचपन के खेलों की यादें बांटती हूँ। मैं भाषा हूँ, अभिव्यक्ति का साधन हूँ, सभ्यता संस्कृति की पहचान हूँ, शब्द खजाने से सजती सवरती हूँ तो मुखर भी हूँ, शांत सरित प्रवाह हूँ। मैं भाषा हूँ, अभिव्यक्ति का साधन हूँ, वात्सल्य प्रेम भक्ति और वीर भावों से भरी साहित्य का दर्पण हूँ, देशों की पहचान हूँ, शिरोमणि हूँ
सुशोभित हूँ, मानव सभ्यता विकास की साक्षी हूँ, मौखिक हूँ, लिखित हूँ, मूक हूँ, श्रवणीय हूँ, संपर्क का साधन हूँ, मैं भाषा हूँ। भक्ति काल की कवियों का परिचय करते हैं हमारे दोस्तों। गुरु गोविंद दो खड़े कागे लागू पार, बिलिहारे गुरु अपने गोविंद दियो बताए। जाति न पूछो साधु की, पूछ लीजिए ज्ञान। जाति न पूछो साधु की, पूछ लीजिए ज्ञान। पहचाना मुझे, मैं हूँ तुलसीदास। दोस्तों, मैंने रामचरित मानस की रचना की। नाम राम को कल्प धरु, कलि कल्याण निवासु। नाम राम को कल्प धरु, कलि कल्याण निवासु। जो सुमिरत भयो मांगते तुलसी मैं कृष्ण भक्त कवि मैं सोर ही है। दूध पिवावत पची पची देत न माखन रोटी, काचो दूध पिवावत पची पची। ऐसी लागी लगन मीरा हो गई मगन, ऐसी लागी लगन मीरा हो गई मगन, ऐसी लागी लगन मीरा हो गई मगन। वो तो गली गली हरि गुण गाने लगी, वो तो गली गली हरि गुण गाने लगी। महलों में पली बन के जोगन चली, महलों में पली बन के जोगन चली। मीरा रानी दीवानी कहाने लगी, मीरा रानी दीवानी कहानी। हिंदी दिवस पर एक कविता सुने आ रही है हमारी नन्नी डियाना। हिंदी एक महान भाषा है, हिंदी एक महान भाषा है, जो कई सालों पुरानी है वह हमारी बात की निशानी है। जो कई सालों पुरानी है वह हमारी बात की निशानी है। हिंदी एक सोच है, हिंदी एक सोच है, जो मैं खुले आसमान में उड़ना सिखाती है और नए विचारों के साथ जुलना सिखाती है। जैसे माँ के माथे पर बिंदी रचती है, जैसे माँ के माथे पर बिंदी रचती है, वैसे हमें भारत माता की गोदों पर हिंदी रचती है, वैसे हमें भारत माता की गोदों पर हिंदी रचती है। जैसे होली और दिवाली भारत के पर्व है, जैसे होली और दिवाली भारत के पर्व है, वैसे हमें हिंदी भाषा पर गर्व है, वैसे हमें हिंदी भाषा पर गर्व है। धन्यवाद दोस्तों, गर्व से बोलिए हम हिंदुस्तानी है। जय हिंद, जय भारत। हिंदी हमारे गीत प्रस्तुत कर रही है मारिया सेवियर। हिंदी हमारी जय, हिंदी हमारी, मरी मरी जाऊं मैं हिंदी पिवारी। हिंदी हमारे सब की है महतारी, हिंदी हमारी जय, हिंदी हमारी, मरी मरी जाऊं मैं हिंदी पिवारी। रस का न हिंदी की सर न पकारे, तुलसी कबीर मित और ती उतारे। सुरनित मैयारे मैया पकारे, महिमा पदाने नित अटल बिहारी। हिंदी
ज्ञान बलिदान मीरा किस में मुखर हुई बानी नेताजी ने इसकी बड़ाई है पकाने गांधी और नेहरू है इसके पुजारे हिंदी हमारी जय हिंदी हमारे वरी वरी जाहू मैं हिंदी पिवारे हिंदी हमारे सब के है महतारे हिंदी हमारे जय हिंदी हमारे हिंदी भाषा से प्रदीप अपने विचारों के प्रस्तुत कर रही है सातवीं कक्षा से नाहिदा। हिंदी का सम्मान देश का सम्मान है। हमारी स्वतंत्रता कहा है राष्ट्रभाषा जहां है। आदरणीय प्रधानाचार्य देवतुल्य गुरुजन और मेरे प्यारे सहपाठियों, आप सबको हिंदी दिवस का हार्दिक शुभकामनाएं। आज 14 सितंबर है। संपूर्ण भारत में इस दिन हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। हिंदी भाषा के प्रति सम्मान प्रकट करने हेतु हर साल हम इस दिन को उत्साह से मनाते हैं। हिंदी हमारे देश की संस्कारों और संस्कृति का प्रतिबिंब है। भारत में अधिकतम हिंदी भाषिक है, इसी कारण से 14 सितंबर 1949 को भारतीय संविधान में हिंदी दिवस के रूप में स्वीकार किया गया। आज की आधुनिक युग में अंग्रेजी भाषा को भी अपना स्थान है, पर इस वजह से हम हमारी राष्ट्रभाषा को भूला नहीं कर सकता है। हम सभी को हिंदी भाषा का अधिक से अधिक उपयोग करना चाहिए, तब हम अपनी भाषा का सही अति सम्मान कर सकता है। की गौरव गाथा है हिंदी, हर भारतीय की पहचान है हिंदी, हमारी एकता की परंपरा है हिंदी, हमारे जीवन की परिभाषा है हिंदी। आइए हम सब मिलकर यह प्रण लेते हैं कि हमारी राष्ट्रभाषा हिंदी के विकास में हम हमारी ओर से संपूर्ण प्रयास करेंगे और जितना हो सके हम हिंदी भाषा का प्रयोग करेंगे। धन्यवाद।